नाम तो सुना होगा। कंप्लेन एक एसी का कि कूलिंग नहीं कर रहा है। नहीं, जब हम लोग रूफ टॉप में आए हैं तो इस तरह का शेड बनाया है, चारों तरफ से ब्लॉक है, अंदर जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। जिसने भी एसी इंस्टॉल किया है माशाल्लाह, बड़ा बेहतरीन बेहतरीन मैं बोल रहा हूँ तो उसका, ठीक है। तो ये भी पूरा लॉक है, पूरा बंद है, इस तरफ से भी बंद है, ऊपर से तो बंद किया है। यहाँ तक कि टेक्नीशियन को चेक करने के लिए रास्ता भी नहीं दिया है कहीं से जाने के लिए। ये भी पूरा बंद है, चारों तरफ से बंद है। तो इसको फिर वो आपको जंप मार के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो माशाल्लाह जो इंस्टॉलर है ज़बरदस्त काम किया उसने, कि उसको लगा कि दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसी चेक करने के लिए। तो हम लोग ये पैनल, ये जो शेड है, जो आपका शेड है, इस शेड को हम लोग निकाल रहे हैं ताकि ज़ाहिर कि जाने के लिए चाहिए ना, बार बार अगर फिर अब कितना बार जंप मारते रहे, ठीक है। तो हम लोग इसको जो ये टीन सेट है ना, इसको निकाल ले रहे हैं। तो पूरा बंद कर दिया ऊपर भी, और सबसे वो रॉन्ग है, कभी भी ऊपर आप बंद नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पे। ऊपर में आप बंद नहीं कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि जो आपका जो हीट ईयर है कंडेंसर कॉइल का, वो प्रॉपर उसको पूरा फ्री स्पेस मिलना चाहिए निकलने के लिए, ठीक है। तो मुश्किल अभी एसी बंद है, अब वो क्या प्रॉब्लम है वो चेक करते हैं, उसके बाद ये करते हैं। पहले ये तुम लोग जो टीन शीट है इसको उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि बार बार कितना आदमी जम मारते रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी एक है, वहाँ पर भी जनाब ने वैसे ही बनाया है, तीसरा भी अच्छी बनाया है। अच्छा, टोटल इसका मतलब है कि चार एसी है, इसका मतलब ये है कि इसमें, हाँ यस, चार एसी है, चार वैसे ही बनाया है जनाब ने। अच्छा, उस तरफ में नहीं, वो डक्ट के लिए खुला है, हाँ, चेक करने के लिए कहीं रास्ता नहीं, पूरा बंद रखा चारों तरफ से। क्या है, ठीक है, ओके, चलिए। तो इस बिल्डिंग के ऊपर चार पैकेज यूनिट है, इस बिल्डिंग के ऊपर चार पैकेज यूनिट है। कस्टमर का ये कंप्लेन है कि एसी कूलिंग करता है लेकिन कुछ देर के बाद, आधा घंटा एक घंटे के बाद कूलिंग नहीं करता, और चारों यूनिट का सेम प्रॉब्लम है कस्टमर का ये कहना है। तो जब हम लोग रूफ टॉप में जब आए हैं और चेक कर रहे हैं, तो चारों यूनिट के जो ऊपर में जो शेड डाला है वो गलत है। शेड वो डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेशली जो कंडेंसर फैन है उसके ऊपर वो नहीं डाल सकता है, बिल्कुल नहीं डाल सकता है। तो कंडेंसर फैन का जो आपका जो हॉट एयर है वो उसको पूरा फ्री स्पेस मिलना चाहिए उसको निकलने के लिए, उसको कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसने भी एसी को इंस्टॉल किया है, पता नहीं खूबसूरती के लिए किस लिए पता नहीं, तो पूरा एसी के ऊपर रहे कोई बात नहीं है, लेकिन स्पेशली जो कंडेंसर फैन का जो आप जो देख रहे हैं वो एरिया स्पेशली, वो आपको फ्री होना चाहिए। तो वो इस वजह से, तो जो आपका जो कंडेंसर फैन का जो हॉट एयर है वो रिटर्न बैक आ रहा है और यूनिट में ही, और जिसकी वजह से जो डिस्चार्ज का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, वो प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, एम्पियर भी इंक्रीज हो रहा, और उससे वो एचपी से ट्रिप कर जा रहा है। ओके, एचपी से ट्रिप कर रहा है, सेम चारों एसी का सेम प्रॉब्लम है। ओके, जब हम लोग आए तो एक एसी भी नहीं चल रहा था, सबका पीसीबी का जो लाइट है वो बंद था, सबका यानी कि जो पीसीबी का जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा था, ट्रिप था। ओके ओके, तो अब हम लोग एक एक करके चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो कभी भी इस तरह का कोई एसी हो तो कभी भी अगर इस तरह का शेड लगाना हो तो साइड में लगा सकते हैं, बट यूनिट के स्पेशली जो कंडेंसर फैन के ऊपर में नहीं लगा सकते। यूनिट के ऊपर भी लगा सकते हैं लेकिन सिर्फ जो स्पेशली जो कंडेंसर फैन का जो ईयर आपका स्टॉप नहीं हुआ उसको फ्री स्पेस रहे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप सब जगह लगा सकते हैं। ओके, तो हम लोग चेक करते हैं फिर आपको इस वीडियो को ऐड करते हैं। ओके, थैंक यू। आप इस पीसीबी को, लाइट को देखिए, फास्ट ब्लिंक कर रहा है यानी एचपी से ट्रिप किया है। ओके, तो यूनिट को स्टार्ट अपनी तरफ से कर लेते हैं, प्रॉब्लम तो मालूम चल गया है लेकिन प्रेशर वगैरह भी चेक करना अपनी जिम्मेदारी है, तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, बाकी फिर जो होगा देखते हैं। तो पहले सिस्टम को चेक कर लेते हैं। तो ओके, अभी डिमांड नहीं आ रहा है नीचे से, तो हम लोग क्या करेंगे, जंपर का इस्तेमाल करेंगे। तो जंपर है मेरे पास, है ना, इसके पास, ये इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट हम लोग आर से जी, आर से वाई वन, आर से वाई टू को लगा के सिस्टम का जो परफॉर्मेंस वो चेक कर लेंगे, ये सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो हम लोग उसको ये करते हैं कि नीचे से डिमांड नहीं आ रहा, तो पहले अपने तरफ से यहाँ चेक करेंगे, बाद में उसको चेक करेंगे थर्मास्टेट वगैरह क्यों डिमांड नहीं आ रहा। ओके, तो ओके, तो आर जी वाई वाई वन, ओके, नहीं जा रहा इसमें क्यों, ओके, चलिए लगी, ओके, लग गया, चालू हो गया है, ठीक है, ओके।
ओके अच्छी बात है। तो सबसे पहले ब्लोअर चेक कर लेते हैं, 5 एम्पियर ले रहा है ब्लोअर का आपका है 4.5 है, 4.5 है, कंप्रेसर का 8.9 है। ओके ओके ओके, दोनों कंप्रेसर ट्रिप कर गया, दोनों कंप्रेसर ट्रिप कर गया। ओके वो इसलिए भी क्योंकि हम लोग पैनल खोल के रखे थे, और दूसरी बात इसका भी जो ये वजह है, लेकिन सडनली ट्रिप नहीं करेगा इसके वजह से। हाँ, तो सिर्फ हम चेक कर रहे थे कि चल रहा है कि नहीं, दोबारा रिसेट करके चालू करेंगे। हाँ, क्योंकि इसको बंद करना होगा, ठीक है, क्योंकि इससे अभी आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर आप कंप्रेसर सेक्शन का पैनल खुला रहेगा तो आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। एक बार दोबारा रिसेट करके चालू करेंगे, और हाँ चलिए रिसेट कर दिए पावर को। ओके, लोड चालू हो गया, कंप्रेसर चालू हो गया, 8.6, 8.7। हाँ ओके, आपका वर्ड एम्पियर बढ़ रहा है, ट्रिप कर गया वो, हो गया, नहीं वो नहीं होगा आपको, ये आपको हटाना होगा, ये हटाना होगा, जिसकी वजह से वो प्रेशर और एम्पियर दोनों बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एचपी में ट्रिप कर रहा है। तो प्रॉब्लम यही है, जो शेड लगाया है ऊपर का शेड को उसको हटाना होगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube पे जाएं, HVACAMJADMJ मिला के लिखें और सर्च करें, और यहां से आप सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर, और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।